हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम सेट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो आज फिर से हम वेन डायग्राम सिखाएंगे, लेकिन आज जो सिखाने वाले हैं वह कम्प्लीमेंट सेट का सिखाने वाले हैं कि कम्प्लीमेंट सेट अगर आ जाएगा तो उसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, वैसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सेट वाले वीडियो में देख लीजिए, ये जो सेट थ्योरी चल रहा है तो यह कॉन्सेप्ट की क्लासें हैं, और उसके बाद मैं प्रैक्टिस की क्लास भी लगाऊंगा, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपके आपके नज़र से चल जाए छूट करके। उसको हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखिए, क्या जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए आज हम जो हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं वेन डायग्राम ऑफ कम्प्लीमेंट सेट का। ठीक है, कम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, ठीक है, जिसको डैश कहते हैं। चलिए, अब डैश का आपको बनाना है मित्र, तो जो रंगा हुआ रहता है वो नहीं रंगना है, जो नहीं रंगा हुआ है उसको रंगना है, मतलब उलट देना है, जिसको एंटोनिम्स कह सकते हो। ठीक है, चलिए, मतलब इसका जो सूत्र होगा, डार्क को लाइट कर देना है, लाइट तथा लाइट को डार्क कर देना है। ठीक है, डार्क मिस होता है अंधेरा और लाइट मिस होता है उजाला। ठीक है, उजाला होता है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए, तो आज जो बता रहे हैं वो देखिए, क्वेश्चन पहला नंबर पॉइंट, अगर आपको ये दिया हुआ है सेट, ठीक है, ए का तो वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, इसमें क्या हो जाएगा, रंग देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि ए डैश का वेन डायग्राम क्या हो, तो जस्ट इसका उल्टा कर देना है, सिंपल सी बात है। आपको वेन डायग्राम में क्या होता है, अंदर वाला पार्ट रंगा हुआ है, तो ए डैश वाला क्या हो जाएगा, बाहर वाला पार्ट रंगा रहेगा। ठीक है, चलिए, अब आपको बनाना है मित्र ए यूनियन बी के होल डैश। अगर ए यूनियन बी के होल डैश का बनाना है तो सबसे पहले आप बना लीजिए ए यूनियन बी का। ठीक है, ए यूनियन बी का अगर बनाने जाएगा मित्र तो सारा पार्ट रंगा हुआ रहेगा, ये तो ए यूनियन बी का है। अगर ए यूनियन बी के अगर होल डैश का अगर बनाने जाएगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी में पूरा रंगा हुआ पार्ट है तो उसके अलावा हो जाएगा पार्ट, ये जो हो जाएगा मित्र ए यूनियन बी के क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूनियन बी के अलावा हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं मित्र, अगर बनाना है ए माइनस बी के होल डैश बनाना है। ठीक है, ए माइनस बी का अगर कम्प्लीमेंट बनाना है तो इसको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको ए का वेन डायग्राम बनाना होगा। तो ए का वेन डायग्राम बनाने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, ए और बी दो चीज़ शामिल है तो दो को तो बनाना ही पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना है, ए माइनस बी का करना है। तो यह जो पार्ट है मित्र ए माइनस बी का करना है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, ए वाला पार्ट लगाएंगे ना ए माइनस बी में। ठीक है, और ए माइनस बी को बनाने के लिए हम आपको सिखा ही दिए हैं, तो ए माइनस बी का जो वेन डायग्राम बनेगा मित्र, सिर्फ ए वाला पार्ट लगाएगा, क्या होगा, ए वाला पार्ट। और यदि आपसे कह दिया जाए ए माइनस बी के होल डैश का, तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा आपको ए माइनस बी का वेन डायग्राम। लेकिन अगर ए माइनस बी का अगर होल डैश का अगर बनाने कह देता है वेन डायग्राम मित्र, तो कैसे बनाओगे, इसके लिए मित्र क्या करना पड़ेगा, से जानते हो, इसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ हाँ बताए थे, क्या बताए थे, कि इसके अलावा जो रंगा हुआ है उसको छोड़ देना है। तो ये रंगा हुआ है उसको हम क्या कर दिए मित्र, छोड़ दिए, बाकी पार्ट को क्या करते हैं, रंग देते हैं। ठीक है, तो हमको तो लगता है मित्र कि वेन डायग्राम में कोई दिक्कत कभी भी किसी समय नहीं आना चाहिए, हमको तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आपको अगर दिक्कत होता है, कोई दिक्कत, ये अगर आप बनाना चाहते हैं बी माइनस ए का होल डैश का, तो आप बना लीजिए, सबसे पहले क्या बना लेते हैं, बी माइनस ए का बनाते हैं। तो बी माइनस ए में क्या होता था, सिर्फ बी वाला पार्ट रंग आता था। ठीक है, और बी माइनस ए का होल डैश बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए को छुड़का करके बाकी सब रंग देंगे। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही रहेगा मित्र। ठीक है, कम्प्लीमेंट वाले हमने पूरा कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।